हम जाते थे कॉलेज में तो कॉलेज वाला बोलता था कि तुम वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ऐसे करके परेशान करता था स्टूडेंटों को 7 दिन तक, मतलब गोल गोल घुमाया, जिसके कारण से मुझे बहुत परेशानियाँ हुई। ठीक है, केटी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे साथ एक विकास भाई बने हुए हैं, और जैसे इनसे पूछते हैं इनकी दिक्कतें क्या थी। आप कहाँ से आए विकास भाई? मुजफ्फरपुर से भाई। आपका क्या प्रॉब्लम था आप लगभग 3 दिन से, जैसा, और इनका समस्या क्या था आपका? मेरा समस्या यही था कि पार्ट 1 पार्ट 2 जिस कॉलेज से मेरा रिजल्ट आया था, उस कॉलेज का पार्ट 3 में एप्लीकेशन रद्द हो गया। तो पार्ट 3 में एप्लीकेशन रद्द हो गया तो कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या किया कि दूसरे कॉलेज से टैग कर दिया, और जिस कॉलेज से टैग किया उस कॉलेज में फिर हम फॉर्म भरे लेकिन उस कॉलेज से मेरा एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ। मेरा जो कॉलेज का एप्लीकेशन रद्द हो गया था उसी कॉलेज से फिर मेरा एडमिट कार्ड इशू हुआ। देखिए, हम आपके एक सेकंड, जैसा कि पहले आप कौन से कॉलेज से कर रहे थे ग्रेजुएशन? विद्या इवनिंग कॉलेज से कर रहे थे, और ये पटना से। और जब फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसी कॉलेज से, और उसका रद्द हो गया था। हाँ, उसका एप्लीकेशन रद्द हो गया। और रद्द हो गया ये थर्ड ईयर में। ये थर्ड ईयर में दूसरे कॉलेज से भरे, किस कॉलेज से भरे थे आप? लालू मंडल कॉलेज गया से भरे हैं। और इनके मार्कशीट पे, सॉरी एडमिट कार्ड पे आया विद्यानंद वाला। हाँ, एडमिट कार्ड पार्ट थर्ड का जो एडमिट कार्ड इशू हुआ उस एडमिट कार्ड पे विद्या इवनिंग कॉलेज। एक सेकेंड, देखिए, जब आप भरे हैं किसी और कॉलेज से, आ गया है उस कॉलेज का, तो ये चीज़ आप, जहाँ आप नए जो स्टूडेंट हैं, नए में व्यूअर देखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस कॉलेज से आपका रहेगा उसी कॉलेज का होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि हम जाते थे कॉलेज में तो कॉलेज वाला बोलता था कि तुम वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ऐसे करके परेशान करता था स्टूडेंटों को 7 दिन तक, मतलब गोल गोल घुमाया, जिसके कारण से मुझे बहुत परेशानी, और मेरा घर मुजफ्फरपुर है, बहुत परेशानियाँ हुई। लेकिन हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए, और यूनिवर्सिटी में आने के बाद हम एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिले, तो एग्ज़ाम जो कंट्रोलर है वो मुझे सलाह दिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका टीआर जो यूनिवर्सिटी में जो प्रेजेंट है उस टीआर में मेरा पूरा डाटा मैच कर रहा है मेरे रियल से। सबसे बड़ी बात है कि इनका टीआर में डाटा जो मैच कर रहा है वो, और इनका जो चीज़ है दोनों सेम है, इसलिए इनके पास कोई नहीं दिक्कत है, समझे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कंट्रोलर साहब वहाँ हैं, तभी देखे भी, इसलिए बोलते हैं ऑफिसर को आना यहाँ बहुत जरूरी है। सभी ऑफिसर रहिएगा, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रजिस्ट्रार सब रहेंगे, कंट्रोलर साहब है, ये हैं, वीसी साहब रहेंगे, परमानेंट रहिए ना तो सोल्यूशन हो सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सभी ऑफिसर रहेंगे तभी ना सोल्यूशन हो सकता है। सभी ऑफिसर को रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका 86,000 रुपये चला जाता। मेरा बीएड में फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ 22 से 24 मेरा सेशन है बीएड का, और 86,000 रुपये डाल चुके हैं, समझे। 86,000 हमारे कंट्रोलर साहब बचा दिए स्टूडेंट इस भाई का। आज ये भाई माइग्रेशन ले लिया है, अब जाके ये माइग्रेशन किस बीएड किस कॉलेज से कर रहे हैं? सीएन कॉलेज साहेबगंज मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी। देख लीजिए, इसलिए बोलते हैं कि आप सब भी इस चैनल को देखिए, टीआर क्या होता है, आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इनकी टीआर में चेक किया गया था मार्क्स, टीआर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी को चेक जो किया जाता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टीआर जो चेक करना, उसके बाद करवा के जो आपका टीआर में रहेगा वही आपका बनेगा। आपका जहाँ टीआर में मार्क्स गलती सही है, जो 5 है तो 5 ही रहेगा, समझे। ओके, बिल्कुल। तो भाई को धन्यवाद दीजिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू बॉस। और हमारे चैनल कैसा लगता है आपको? चैनल बहुत अच्छा है, इनके चैनल को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों को शेयर करें इन्फॉर्मेशन के लिए।